आज है डे टू एंड आज जितनी बारिश हो रही है भाई खतरनाक, मतलब हो रही है हमारे अंता में और बारिश का काफ़ी ज़्यादा खतरनाक माहौल हो रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा 2013 की तरह लग रहा है संभावना की हो सकता है। जितनी हमारी खाई थी इधर पास में जो कि उसको लंबा चौड़ा कर दिया गया था, उसके बावजूद भी काफ़ी सारा पानी अभी भी आ रहा है और यहाँ पर रेगुलर 4 दिन से बारिश हो रही है, जो कि मैं आप लोगों को इधर का व्यू पीछे का दिखाता हूँ। So, hey guys, what's up everybody? It's me, IDX, back in the game with a new video, public. देखो भाई आप मेरे घर के सामने का जो व्यू, कल जो कि अभी मैंने रिसेंटली एक व्लॉग डाला था उसमें तो पानी कम था और आप इसमें देखो भाई, मतलब काफी सारा पानी पीछे भी आप लोग देख सकते हो, इधर धार चल रही है। तो कल मैंने आप लोगों को यहाँ का नजारा दिखाया था, तो यहाँ पर पानी बहुत कम था, मतलब इससे थोड़ा कम था एंड आज काफी ज्यादा हो चुका है एंड अभी तो सिर्फ ये बारिश आई है और अभी भी थोड़ी देर बाद यहाँ पर काफी सारा पानी आप लोगों को देखने को मिलेगा एंड यहाँ पे काफी सारे लोग अभी भी घूम रहे हैं और इधर बारिश का माहौल एकदम खतरनाक सा हो रहा है, मतलब फिर भी अभी बारिश आ रही है। तो कल इधर से पानी नहीं आया था बट आज 101% पक्का है इधर से पानी आया। ये देखो भाई, मतलब मेरे घर की एक सीढ़ी है जो कि डूब चुकी है, यहाँ पे नाली थी तो नाली से ऊपर पानी आ चुका है और अभी ज्यादा पानी इधर आता है, तो मैं आप लोगों को इधर का भी सीन दिखाऊंगा कि इधर ये मेरे दोस्त की तरफ का सीन है जो कि मैंने उससे ये वीडियो शूट करके मंगवाया था, तो आप लोग इधर देख सकते हो। कल मैं घर के बाहर बैठा हूँ एंड यहाँ का नजारा देख रहा हूँ कि पानी कितना आ रहा है कितना नहीं, अभी तो पानी बढ़ ही रहा है और ऊपर से बारिश हो रही है। हाँ तो भगवान से मेरी बात करी, हाँ ठीक है, मतलब ये यूँ कह रहे हैं कि भैया तुम लोग क्या चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो इसलिए क्या है पानी बहुत ज़्यादा आ रहा है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो पानी बहुत ज़्यादा आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मतलब हवा ठंडी ठंडी चल रही है और बारिश एकदम बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है, मतलब रुकने का तो कोई नाम ही नहीं है भाई, मतलब बारिश का पड़ाव एकदम होता जा रहा है होता जा रहा है। मेरी घर की तरफ भी काफ़ी सारी बारिश आ चुकी है, मेरी स्टूडियो तक पानी आ चुका है, मतलब रोड तक यहाँ पर एकदम पानी आ चुका है और इधर जो बाकी है थोड़ा सा इधर भी आ जाएगा क्योंकि अभी पानी ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि रेगुलर 4 दिन से बारिश यहाँ पे हो रही है तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादा पानी आ गया है। एंड गाइस ये देखो बेचारे एनिमल्स बेचारे परेशान हो रहे हैं इधर से उधर बारिश में, इधर की तरफ भाग रहे हैं, तो गौशाला वाला कोई भी बंदा इस वीडियो को देख रहा है तो भाई मुझसे उनसे एक ही निवेदन करना है कि बारिश में भी इनका कुछ भी व्यवस्था किया करो ताकि ये जो कि जानवर है इधर उधर घूमे नहीं, इनको तकलीफ ना हो। अब देखो गाइस आप लोग यहाँ का नज़ारा देखो, एकदम कितनी खतरनाक धार यहाँ पे निकल रही है, आप लोग देखो मतलब दूर दूर से लोग घरों से बाहर निकल निकल के आ रहे हैं पानी देखने के लिए, देखो भाई मतलब इतनी सारी पब्लिक पानी देखने के लिए आ रही है। ये वापस से मैं आप लोगों को कल वाली जगह पे ले आया हूँ क्योंकि यहाँ पर आज उससे कल से भी ज़्यादा कहीं ज़्यादा आज पानी है और तेज़ धार यहाँ पर निकल रही है। भाई जैसे कि तुम लोग ये हमारे घर की तरफ का माहौल देख सकते हो, यहाँ पे मतलब बारिश ही बारिश हो रही है अभी पूरे एरिया में, मतलब आगे पीछे बारिश ही बारिश है, सब जगह बारिश, टोटल चौक के यहाँ पे बारिश है और बच्चे पीछे घूम रहे हैं, पानी कम हो चुका है। वापस से मैं आप लोगों को मेरे घर के पीछे का सीन दिखा रहा हूँ जो कि कल से काफ़ी ज़्यादा है, आप लोग देख सकते हो इधर कितना सारा पानी आज भी जमा हो चुका है क्योंकि यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो जगह रुक चुकी है और सीधी सी बात है और पानी भी रुकेगा सही, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पानी जम चुका है और इसकी वजह से पानी आगे पीछे नहीं हो रहा है, मतलब धीरे धीरे हो रहा है, तो इधर भी आज काफ़ी ज़्यादा पानी एंड गवर्नमेंट से सिर्फ मेरा इतना ही कहना है जल्दी कुछ ना कुछ किया जाए ताकि ये प्रॉब्लम दोबारा देखने को ना मिले लोगों को। सो गाइस अब मैं ब्लॉग को कंटिन्यू, मतलब कंटिन्यू कर रहा हूँ बट मैं आप लोगों को नहीं घुमाऊंगा क्योंकि मैं अब वीडियो मेरे दोस्तों से मंगवा रहा हूँ, कोज मैं इंजर्ड हो चुका हूँ क्योंकि मेरे पैर में लग चुकी है, मैं अभी आप लोगों को आगे दिखाता हूँ, तो मैं अपने दोस्तों से वीडियो मंगवाता हूँ आगे से एंड मैं आप लोगों को आगे का सीन भी दिखाता हूँ। मैं एक जगह मतलब मेरी अचानक मैं आगे शूट करने निकला तो भाई मतलब मैं इंजर्ड हो गया, तो इंजर्ड किस टाइप से हुआ मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। जैसे कि आप लोग देख सकते हो मेरे राइट पैर का जो पूरा नाखून था एकदम पूरा उखड़ चुका था जिस टाइम मुझे एकदम अचानक मतलब
सब चौकन्ना हो गया मैं यार, बहुत दर्द हुआ। एंड काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे कि और बना वीडियो और बना, मतलब मेरा मजाक उड़ा रहे थे। तो कोई मुझे इनसे कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को जो करना है वो करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1% भी मुझे प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी मैं मेरे व्लॉग्स कंटिन्यू करूँगा। एंड तुम लोग देख सकते हो जो कि मेरा पूरा एकदम पैर ख़राब सा हो चुका है, मतलब 1-2 महीने तक मेरे पैर में, मतलब ना तो मैं शूज़ वगैरह पहन सकता, कुछ नहीं पहन सकता। बट फिर भी मैं आप लोगों के लिए व्लॉग कंटिन्यू करने की कोशिश करूँगा। एंड आज मैं आप लोगों को आगे मैं खुद नहीं घुमा सकता, बट मैं अपने दोस्तों से कुछ क्लिप मंगवाता हूँ एंड आप लोगों को दिखाता हूँ। सो लेट्स वॉचिंग। मैं बारिश में नहीं निकल सकता क्योंकि मेरे पैर में लगी हुई है, तो मैं निकलना मतलब बकवास है, मतलब निकल गया तो मेरा पैर खराब हो जाएगा, तो मैं अपनी इतना रिस्क नहीं ले सकता, तो मैं आप लोगों को आगे मिलाता हूँ। 2 hours later तो जैसे कि आप लोग ये वाला नज़ारा देख रहे हो, ये हमारे सीयूजी चौक की तरफ का है कि जो कि मार्केट लगता है सब्जी मंडी का। यहाँ पे मार्केट लगता है बहुत बड़ा सब्जी मंडी का, हर शनिवार को सबसे बड़ा मार्केट लगता है। तो आप लोग इधर भी देख सकते हो, तो इधर भी काफ़ी सारा पानी है और लोग इधर से बाइक लेके जा रहे हैं, बट वो अनफॉर्चुनेटली यहाँ से सक्सेस नहीं हो पाए क्योंकि वहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो वापस से घूम कर आ चुके हैं। ये था हमारे मार्केट की तरफ का व्यू। एंड अब मैं आप लोगों को एक और व्यू दिखाने जा रहा हूँ, यहाँ पर भी काफ़ी सारा पानी अभी भी है। ये व्यू हमारे भमोरी खाई की तरफ का है जो कि कोटा के लिए निकलता है हाईवे के लिए। तो इधर भी लोग आ भी नहीं सकते और जा भी नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे पुलिया के ऊपर काफ़ी सारी पानी है, तो लोग यहाँ से आना जाना मना है एकदम। मतलब जो कि आप लोग ये वाला व्यू देख रहे हो, ये हमारे नयापुरा की तरफ है, ये स्टेशन रोड की तरफ से निकलता है। तो इधर गलियों में भी इतना सारा पानी है कि लोग, मतलब लोगों घरों में भी पानी जाने वाला है। और आप पीछे भी देख सकते हो, यहाँ भी काफ़ी सारा पानी है। वीडियो में लग चुकी है काफ़ी सारी मेहनत, यू नो वॉट गाइस, मेरे पेट में भी लग चुकी है एंड मेरा नाखून एकदम से खत्म है। एंड मैं बाहर जाता और भी शॉट मैं आप लोगों को दिखाता, काफ़ी सारे शॉट है एंड काफ़ी सारा व्यू है जो कि मैं आप लोगों को दिखाता एंड नहीं दिखा पाया। नेक्स्ट व्लॉग में हमें दिखाऊंगा आप लोगों को। एंड आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। आई विल सोन ऑन द नेक्स्ट वीडियो गाइस।